नमस्कार दोस्तों टीचर सिंह में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे एक ह्यूज रिक्वायरमेंट के बारे में जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है आप देख सकते हो परमानेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए 35 डिपार्टमेंट में इसका वैकेंसी निकला है तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये आगरा में है और यहाँ जितने भी सारे डिपार्टमेंट है सारे के सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला है तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखिए नीचे आप थोड़ा सा आओगे देखिये देखिये यहाँ देख कॉर्नर में नीचे लिखा गया है रिक्रूटमेंट एंड कैरियर नोटिस तो हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं ठीक है पूरा ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा जो फास्ट नोटिफिकेशन इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर डी आई सिक्स एंड सिक्स ए तो हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं देखिए ये एक पुराना वाला नोटिफिकेशन है आप यहां देख सकते हो यहां मेंशन किया गया है फर्दर टू द एडवर्टाइजमेंट ये जो नंबर दिया गया है डेटेड ऑन ट्वेंटी थर्ड जुलाई And 11th November 2020. It is hereby notified that the selection process of all the non teaching post of Dayalbag Educational Institute and all the teaching and non teaching post of EDI Technical College, college ka nam mention as a girls college, then uh, REI inter college, have been initiated. Theke? Then, किया गया नो फ्रेश् फॉर पोजिशन शाल बी एंटर फैकल्टी एडजस्टेंट फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी एंडेशनल तो उस ओल्ड न्यूज जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें जो जो भी वैकेंसी लिखा गया था वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया गया था और सारे के सारे जो टीचिंग पोजीशन में जो वैकेंसी है उसको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा कब तक न थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है कब तक है यह थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक है ठीक है तो अभी हम वहां जाकर देखते हैं कि क्या है जो नोटिफिकेशन अब थोड़ा सा नीचे आओगे आपको यहां देखने के लिए मिलेगा देखिए ये है इसका नोटिफिकेशन डी आई सिक्स एंड सिक्स ए ठीक है तो हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं देखिए है इसका नोटिफिकेशन यहां देखिए मेंशन किया गया है एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट गेस्ट फैकल्टी एडजस्टेंट फैकल्टी और डिपार्टमेंट आप यहां देख सकते हो यह मेंशन किया गया है कितने सारे डिपार्टमेंट पूरा यहां तक का डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है सारे के सारे डिपार्टमेंट ठीक है तो हम चलिए नीचे थोड़ा जाकर देख सकते हैं और यहाँ आप क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन जैसे स्टेट गवर्नमेंट का जैसे भी रिजर्वेशन रहता है यूपी गवर्नमेंट का उसी के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा एंड क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया है हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं बाकी सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो प्रोफेसर के लिए वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड मिलेगा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वन लाख थर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिफ्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड गेस्ट फैकल्टी के लिए पंद्रह सौ करके पर लेक्चर या फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ्रेक्टुअल पोस्ट के लिए जो भी एंट्री लेवल होता है पे उसको मिलेगा मिलेगा के लिए पर मंथ ठीक है और इसका जो है यहाँ देखिए नोट में मेंशन किया गया है रोलिंग एडवर्टाइजमेंट रोलिंग एडवर्टाइजमेंट मतलब पुराना निकला था उसको फिलफिल फिल नहीं हुआ है बात सारे के सारे जितने भी वैकेंसी था वो फिलअप नहीं हुआ है इसलिए उसको फिर से Same आप देख सकते हो एक एक करके डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन क्या चाहिए फूडवेयर टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ बाकी आप यहाँ देख लेना आपके रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन देख लेना डिपार्टमेंट के हिसाब से फूडवेयर टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री बॉटनी ज्यूलॉजी संस्कृत होम साइंस एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस मैनेजमेंट देन साइकोलॉजी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स देन टेलीकम्युनिकेशन देन टेलीमेटिक्स देन इंटरनेट एंड थिंग्स ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डायरी टेक्नोलॉजी बैंकिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन टेक्सटाइल डिजाइन फूड प्रोसेसिंग कमर्शियल आर्ट्स टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट देन सेरामिक एंड पोल्ट्री डिजाइन वाटर सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग देन रिन्यूएबल एनर्जी ऑटोमोबाइल अपीरल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ये सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर गेस्ट लेक्चर ये सारे के सारे चाहिए ठीक है अभी आप देखिए यहाँ जो मेंशन किया गया है डी आई पी गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चर आर्ट चाहिए इंग्लिश में एक हिंदी में एक मास्टर्स डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए उसके बाद बी होना चाहिए असिस्टेंट टीचर के लिए बायोलॉजी केमिस्ट्री संस्कृत मैथ कंप्यूटर साइंस बैचलर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ बी डी होना चाहिए ठीक है ये कौन से कॉलेज के लिए गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए देन आर इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए प्रिंसिपल जो वैकेंसी है ठीक है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए ठीक है हाउ एवर असिस्टेंट टीचर हैविंग है एटलीस्ट सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड स्पेशलाइज टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ टेन ईयर्स प्रिंसिपल के लिए मिनिमम टेन ईयर्स चाहिए ठीक है बाकी आप यहाँ देख लेना लेक्चर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फिर से डी टेक्निकल कॉलेज के लिए वहाँ प्रिंसिपल के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है फर्स्ट क्लास डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए उसके साथ साथ टेन इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ठीक है डिजायरेबल क्या है रिसर्च वर्क इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड मास्टर्स एंड डॉक्टरेट इच इन हाव यदि उसके पास कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस है या उन्होंने पी किया है तो अच्छा है मगर ये मैंडेटरी नहीं है तो बाकी आप यहाँ देख सकते हो यहाँ नॉन टीचिंग पोजीशन में जो भी है ठीक है और यहाँ देखिए मेंशन किया है रजिस्ट्रेशन फी आपको क्या देना पड़ेगा फॉर टीचिंग पोस्ट टीचिंग पोस्ट का इंक्लूडिंग ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर सिस्टम मैनेजर देन सिस्टम इंजीनियर असिस्टेंट रजिस्टर वर्कशॉप सुपरिंटेडेंट कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी उनको देना पड़ेगा एक सौ पच्चीस रुपया जो एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी से आता है उनको देना पड़ेगा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो रुपीज ठीक है और नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए आपको कितना देना पड़ेगा एप्लीकेशन फी सिक्सटी रुपीज एंड एस सी एस टी ओ बी सी के लिए थर्टी रुपीज तो बहुत कम है रजिस्ट्रेशन फी या एप्लीकेशन फी जो भी आप बोल सकते हो ये बहुत कम है आप यहाँ देख सकते हो देन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है थर्टी ट्वेल्थ ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो आपके पास लगभग छह महीने से भी ज्यादा है आप कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो इस बीच में जिनका भी लास्ट ईयर है या जिन्होंने भी कुछ नेट गेट सेट इस प्रकार का एग्जाम भी दे रहा है तो इस छह महीने में आप भी दे सकते हो देने के बाद भी आप चाहो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है देन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए क्या दिया गया है मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट विथ फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क देन कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए सिस्टम मैनेजर के लिए भी वही एम ई एम टेक के साथ थोड़ा आ, कम से कम फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस बाकी ये सारे सारे आप देख लेना आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है तो जो मेन चीज मैंने आपको बता दिया है अभी मैं पूरा लास्ट चलता हूँ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो सैलरी है ये मेंशन किया गया है आप यहाँ देख सकते हो देखिए हाउ टू अप्लाई यहां मेंशन किया गया प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर देन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट गेस्ट फैकल्टी एडजस्टेंट फैकल्टी एंड अदर टेक्निकल कॉलेज ये इसके लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट में विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय डायरेक्ट रिमिटेंस टू द फी एंड एनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेस ऑफ थ्रो ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग एस इंटरनेट बैंकिंग और थ्रो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ठीक है तो यहाँ मैंने जो आपको जो दिखाया था मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कहा इसका ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बाकी ये जो है आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना सारे के सारे डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया है ठीक है यदि आपका कुछ भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर आप कॉल करके भी आप पूछ सकते हो ये यूनिवर्सिटी का नंबर है ठीक है तो ये एक ह्यूज वैकेंसी है जैसे कि आपने देखा है मीन्स मोर देन थर्टी फाइव डिपार्टमेंट में सारे के सारे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ अप्लाई कीजिए और जो भी लास्ट ईयर का स्टूडेंट है और जो भी नेट गेट सेट इस प्रकार का एग्जाम दे रखा है या देने की प्लानिंग में है तो वो भी देने के बाद भी यहाँ अप्लाई कर सकता है तो इसका जो लिंक है मैं दे दूँगा आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से यहाँ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके आपका दोस्त को आपका फ्रेंड को भी आप यहाँ शेयर कीजिए तो वो भी उसका लाभ उठा सके क्योंकि अभी भी छः महीने का टाइम है वो भी अप्लाई करें तो मैं चाहूँगा कि आप इसको भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ठीक है तो अभी हम चलते हैं कहाँ आप अप्लाई करोगे देखिए इसी के साइट में एक ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई तो आपको यहां क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई के लिए तो हम क्लिक कर लेते हैं देखिए आपको यहां एक नया अकाउंट क्रिएट करना है उसके बाद आपको यहां ऑनलाइन अप्लाई करना है प्रोसीजियर बहुत सिंपल है ठीक है तो जो भी यहां अप्लाई करना चाहते हो जितना जल्दी हो सके आप यहां अप्लाई कर लीजिए तो ये था डिटेल्स बाकी इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल है फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए जो भी एक अच्छा टीचर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है यहां हम टीचर से रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइज दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा थैंक यू all the best